हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, हेलो सर। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कॉलीलिथियासिस एंड कॉलीसिस्टाइटिस। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम इसमें भी समथिंग क्वेश्चन बनते हैं, 7-8 क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इनमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके वापस से उसी क्वेश्चन को पूछते हैं। कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगा साथ में और उनको सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, तो एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप सेग रहे ताकि सभी बच्चे लाइव आ जाए। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज आप शेयर करें ताकि सभी लोग लाइव आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार बनते हैं। इसमें 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, जिनको साथ साथ अपन सॉल्व भी करेंगे और अपन लेक्चर क्लास के लास्ट में 3-4 क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, जहां पे अपन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, कॉलीलिथियासिस एंड कॉलीसिस्टाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं इनके थोड़ा डेफिनेशन की बात कर लूं। ये दो टर्म होती है, कॉलीलिथियासिस एंड कॉलीसिस्टाइटिस। दोनों टर्म बिल्कुल जनरल टर्म है, जिनका मतलब होता है, एक का मीनिंग होता है स्टोन, स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। बिल्कुल सिंपल टर्म है जो अपने जनरली काम आती रहती है। ठीक है, स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर नॉन एज कॉलीलिथियासिस। स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर नॉन एज कॉलीलिथियासिस। ठीक है, इसकी बात करें अपन कॉलीसिस्टाइटिस, इसका मीनिंग क्या होता है, इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है फ्रेंड्स, कॉलीसिस्टाइटिस का मीनिंग क्या हुआ, इंफ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये दो टर्म होती है, दोनों का मीनिंग ये होता है। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो हम इन दोनों को साथ में एक साथ टीच करेंगे, क्योंकि एक दोनों आपस में ये क्या होते हैं, कंपैरिजन होते हैं। जिसको कॉलीलिथियासिस होगा उसको कॉलीसिस्टाइटिस भी होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉलीलिथियासिस, स्टोन कैसे बनता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन कैसे बनता है, इसके क्या एटियोलॉजी होती है और कैसे पैथोफिजियो होती है जो स्टोन का फॉर्मेशन करती है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके कॉलीलिथियासिस। ठीक है, कॉलीलिथियासिस को पढ़ते हैं। पहले मैं बात करूंगा इसके एटियोलॉजी की, एटियोलॉजी की बात करते हैं। कॉलीलिथियासिस होने के कौन कौन से कारण है जो स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। जो मेन कॉज होता है इसका, वो होता है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। अगर किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उसको क्या रिस्क होती है, कॉलीलिथियासिस होने की रिस्क होती है, उसको पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जो मैं आपको पैथोफिजियो में समझाऊंगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर तो वो कैसे स्टोन का फॉर्मेशन करता है, इसकी मैं आपको पैथोफिजियो समझाऊंगा। ठीक है, तो एक कारण तो क्या हो गया, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। ठीक है, सेकेंड बात करें हम इसके, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन लेवल। अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उससे भी क्या होते हैं, कॉलीलिथियासिस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है या स्टोन फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उसको रिस्क ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो बाइल डक्ट ब्लॉकेज, बाइल डक्ट ब्लॉकेज। अगर जो बाइल डक्ट होती है, जो बाइल जूस को ड्यूडेनम में लेके आती है उसमें कहीं ब्लॉकेज आता है तो वहां पे क्या होता है, जो बाइल जूस है कहां पे इकट्ठा हो जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर, और वहां पे जो काफी टाइम तक अगर वो प्रेजेंट रहेगा, इकट्ठा रहेगा वहां पे, और लास्ट में क्या बन जाएगा, वो स्टोन का फॉर्मेशन बना लेगा। तो एक ये भी इसकी एटियोलॉजी होती है गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन की। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। इसके अलावा बात करें अपन ट्यूमर, ट्यूमर। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर ट्यूमर बन जाती है तो उससे क्या होता है, जो वहां पे ट्यूमर बन गई तो उसके जो डक्ट है
उसको एम्पिटी नहीं होने देगी वो, ठीक है ना, और वहां पे बाइल क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा और समटाइम्स आफ्टर क्या हो जाएगा, वो स्टोन फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ट्यूमर भी एक इसका रिस्क फैक्टर होता है, इसकी इटियोलॉजी होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो डिक्रीज आउटपुट ऑफ बाइल, अगर बाइल का आउटपुट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उस वजह से क्या होगा, कॉलीलिथियासिस होने की रिस्क ज्यादा होती है, क्योंकि अगर एम्पिटी नहीं होगा और वहां पे लॉन्ग टाइम तक अगर बाइल कलेक्ट रहेगा तो वो धीरे धीरे किसमें, स्टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके इटियोलॉजी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण है, मैं समझाऊंगा आपको। जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, जो कैसे इसमें स्टोन का फॉर्मेशन करता है, इसकी मैं पूरी पैथोफिजियो आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। इसके अलावा और क्या इसके रिस्क फैक्टर, मोर कॉमन इन फीमेल, इन फीमेल, ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है, कोलीलिथियासिस कंडीशन फीमेल्स में मोर होती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है क्या करता है, जो बाइलरी सिस्टम होता है वहां पे कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन को बढ़ाता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बाइलरी सिस्टम के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन को बढ़ाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन बाइनरी सिस्टम में बढ़ेगा, बाइनरी सिस्टम में बढ़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोलीलिथियासिस, ठीक है। तो एक ये भी क्या होता है, इसका कोड होता है कि फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या होता है, इंक्रीज मोर रिस्क इन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उनका लेवल बढ़ा हुआ रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन होते हैं ना, उनका प्रेगनेंसी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, उस टाइम पे इनका लेवल बढ़ा होने की वजह से क्या होता है, वो बाइनरी सिस्टम में क्या करता है, इसका कोलेस्ट्रॉल का सिस्टम को बढ़ा देता है, और अगर बाइनरी सिस्टम में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा और बाइल में मिक्स होकर वहां पे क्या हो जाएगा, वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा बाइल के अंदर, जो मैं आपको पैथोफिजियो में बताऊंगा कि कैसे ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। तो ये तो क्या होगा, इसके इटियोलॉजी की बात करते हैं, ये तो होगी इसका इटियोलॉजी कि ये सारे क्या होते हैं, इसके कोज होते हैं जिनसे क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन होता है गॉल ब्लैडर में, जिसको हम बोलते हैं कोलीलिथियासिस। क्लियर यहां तक? अब मैं आगे बात करता हूं, यहां पे क्वेश्चन जनरली बनता है वो यही बनता है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो वो होता है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, एक ये सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, और एक ये बनता है कि ये मोर कॉमन फीमेल्स में क्यों होता है। अगर आपको रीजन पूछे कि ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा क्यों होता है स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन फीमेल में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बाइलरी सिस्टम में कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को बढ़ाता है, और बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाइल जूस तो कम हो जाएगा और वहां पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का सुपर सेचुरेशन हो जाएगा, वहां पे उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, और अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वहां पे हो गया तो धीरे धीरे वहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और बाद में जाके स्टोन का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं कोलीलिथियासिस, ठीक है। हम थोड़ा सा टॉपिक एक पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्टोन, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टोन, टाइप्स ऑफ स्टोन जनरली अपन थोड़ा सा पढ़ लेते इसको, टाइप्स ऑफ स्टोन। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। टाइप्स ऑफ स्टोन की बात करें, जो स्टोन होता है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, 80% पॉसिबिलिटी कौन सी होती है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्मेशन की, ठीक है। कैसे होता है ये, मैंने बताया था इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनता है। इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज्यादा होती है और कैल्शियम की अमाउंट कम होती है, यानी कि कैल्शियम इसके साथ में डिपॉजिट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट होती है कैल्शियम की, लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है उसके अंदर कैल्शियम की अमाउंट बहुत कम होती है, इसलिए क्या होता है, ये कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। आपसे जनरली कोई पूछे कि जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है उसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। अब एक यहां पे एक जनरली क्वेश्चन बनता है, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है उसके अंदर कैल्शियम का अमाउंट कम होती है, उसका कलर होता है येलो कलर, तो अगर इसका अपन एक्सरे करवाते हैं तो अपने को एक्सरे में यह दिखाई नहीं देता है, नॉट विजिबल इन एक्सरे, ठीक है फ्रेंड्स। वापस देखना, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है,
जो मोस्ट कॉमन यही बनता है, 80% यही स्टोन बनता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम की अमाउंट होती है वो कम होती है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और अगर इसका अपन एक्सरे करवाते हैं तो क्या होता है, अपने को एक्सरे में ये विजिबल नहीं होता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कोलेस्ट्रॉल स्टोन के बारे में। इसके अलावा बात करें तो बाइल स्टोन ये होता है 5%। जो बाइल स्टोन होता है वो होता है, इसकी रिस्क होती है 5% बनने की, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो मोर होता है, कैल्शियम का लेवल होता है उसके साथ में डिपॉजिट होता है वो ज्यादा होता है, जबकि कोलेस्ट्रोल में इसका लेवल कम होता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर, ठीक है। इसको अपन आसानी से विजिबल इन एक्सरे, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 80% रिस्क होती है इसके बनने की, ये 5% रिस्क होती है इसके बनने की। इसमें कैल्शियम ज्यादा प्रेजेंट होता है, इस स्टोन के अंदर कैल्शियम कम प्रेजेंट होता है। इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर, और बाइल वाले का होता है ब्लैक कलर, ठीक है। इसको अपन कोलेस्ट्रॉल स्टोन को अपन एक्सरे में विजिबल नहीं कर सकते, इसको नहीं देख सकते, जबकि बाइल स्टोन को अपन विजिबल कर सकते हैं एक्सरे के अंदर, ठीक है। एक होता है मिक्स्ड स्टोन, एक होता है मिक्स्ड स्टोन, यहां से क्वेश्चन जनरली नहीं बनता है लेकिन ध्यान में रखने वाली बात होती है। एक होता है मिक्स्ड स्टोन, इसमें बाइल प्लस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसमें बाइल भी होता है कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो एक ये भी इसका टाइप होता है। यहां पे जनरली क्वेश्चन आज तक बना तो नहीं है, लेकिन एनी फ्यूचर कोई बन जाए तो ध्यान में रखना है कि जो बाइल होता है वो 5% रिस्क होती है, जबकि मोस्ट कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, उसका होता है ब्लैक कलर, क्योंकि इसमें कैल्शियम ज्यादा प्रेजेंट होता है, उसमें कैल्शियम कम प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन इसको एक्सरे में आसानी से विजिबल कर सकते हैं, किसको, बाइल स्टोन को, और कोलेस्ट्रॉल स्टोन को अपन विजिबल नहीं कर सकते एक्सरे के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके पैथोफिजियो पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात करता हूं इसके पैथोफिजियो की बात करते हैं। इसके बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। जो कोलीलिथियसिस स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर में स्टोन कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मोस्ट कॉमन इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, हाँ जी, क्या होता है इसका कलर, मोस्ट कॉमन क्या होता है इसका, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, ठीक है, सॉरी। तो मैं पैथोफिजियो पे जा रहा हूं, क्या होता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है कहां पे, ब्लड के अंदर, तो क्या होता है, जो लीवर होता है, लीवर क्या होता है, इसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है, कहां पे, जो बाइल सिस्टम होता है उसके अंदर बाइल जूस में से कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर कन्वर्ट नहीं कर पाता, किसके अंदर, बाइल जूस के अंदर, ठीक है। तो लीवर डज नॉट कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इन बाइल जूस। जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या होता है, लीवर इसको इसमें चेंज करता है, बाइल जूस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इसका लेवल मोर हो गया और लीवर क्या करता है, अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इसको एक्स्ट्रा में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसको बाइल जूस में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, किसको, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को। तो क्या होगा, अब जो बाइल क्या है, इसमें बाइल जूस है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा ना, तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बाइल जूस। क्या होगा, देखो जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा तो लीवर क्या करता है, उसको बाइल जूस में कन्वर्ट करता है, यानी कि बाइल एसिड में इसको कन्वर्ट करता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इसका एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो कहां पे जाएगा, जो बाइल जूस है उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया, जो बाइल जूस है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया और बाइल जूस कम है, तो क्या हो गया कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल वहां पे बढ़ गया, तो क्या हो गया, सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल जूस। क्या हो गया, सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल जूस।
अगर बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, जिसको अपन बोलते हैं सुपर सेचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल जूस, कि बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कहां पे बढ़ गया, बाइल जूस में, तो वहां पे क्या हो गया, इसका लेवल बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल का, तो वो क्या हो जाएगा, मोर कंसेंट्रेटेड एंड थिक, क्या हो जाएगा, बाइल जूस। तो क्या होगा, बाइल जूस कंसेंट्रेटेड एंड थिक, क्योंकि क्या हो गया वहां पे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बाइल के अंदर ज्यादा बढ़ गया, उससे क्या हो गया, उसका लेवल बढ़ने से क्या हो गया, जो बाइल जूस है वो कंसेंट्रेट हो गया और थिक हो गया, यानी कि गाढ़ा हो गया। अब क्या होगा, ये वहां पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल इन गॉल ब्लैडर, क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल वहां पे डिपोजिट क्यों हो गया, क्योंकि बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, अगर उसका लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाएगा और कंसेंट्रेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा वहां पे वो डिपोजिट हो जाएगा, यानी कि वहां पे स्टेसिस हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इससे क्या होगा वहां पे कोलीलिथियासिस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया, कोलीलिथियासिस। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने पढ़ा इसकी पैथोफिजियो, ठीक है, यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो क्या होता है, लीवर होता है उसको बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है, किसको, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को। लेकिन क्या हो रहा है, इसका लेवल बढ़ गया, एक नॉर्मल लेवल तक कर लिया इसने कन्वर्ट, उसके बाद भी अगर इसका लेवल बढ़ गया तो क्या हो गया, इसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है बाइल एसिड के अंदर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, बाइल जूस में मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो बाइल जूस है उसके अंदर लेवल ज्यादा किसका हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का, और जब वहां पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो कैसा हो जाएगा, मोर कंसेंट्रेटेड एंड थिक, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा, क्या, बाइल जूस, क्योंकि उसमें क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा प्रेजेंट है, जिससे क्या हो जाएगा वहां पे उसमें डिपोजिट हो जाएगा, और ऐसे डिपोजिट होने के बाद में क्या हो जाएगा, वो स्टोन का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको अपन बोलते हैं कोलीलिथियासिस, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है, पैथोफिजियो होती है स्टोन बनने की, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है, जब कोलीलिथियासिस हो गया, उसको क्या हो गया, स्टोन का फॉर्मेशन हो गया ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, तो वहां पे क्या होगा, स्टोन बन गया, तो क्या होगा, बाइल जूस एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है ना, बाइल जूस एम्प्टी नहीं होगा, और वहां पे क्या हुआ, स्टोन बन गया, तो उससे क्या होगा, जो गॉल ब्लैडर है उसमें क्या आएगी, स्वेलिंग आएगी और इंफ्लामेशन होगा, जिसको अपन बोलते हैं कोलीसिस्टाइटिस। समझ गए कि कोलीलिथियासिस की वजह से क्या हो रहा है, उसको कोलीसिस्टाइटिस, ठीक है, क्यों हो रहा है, कि वहां पे क्या हो गया, स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, जब स्टोन का फॉर्मेशन हो गया तो वहां से बाइल जूस एम्प्टी नहीं हो रहा, और उसमें क्या हो गया, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग आने से क्या हो गया, वहां पे इंफ्लामेशन होगी, जिसको अपन बोलते हैं कोलीसिस्टाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ये इंफ्लामेशन कहां तक आ जाए, बाइल डक्ट तक आ जाती है, कहां तक, बाइल डक्ट तक, अगर ये इंफ्लामेशन बाइल डक्ट तक पहुंच जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कोलिडो कोलीसिस्टाइटिस, क्या बोलते हैं, कोलिडो कोलीसिस्टाइटिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोलिडो कोलीसिस्टाइटिस, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोलीसिस्टाइटिस इंफ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर कहां पे आ गई, बाइल डक्ट में आ गई, उसको अपन बोलते हैं कोलिडो कोलीसिस्टाइटिस, ठीक है ना, इंफ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट, ठीक है। ऐसे तीन चार टर्म होती है, ऐसे इसमें पैथोफिजियो होती है। हाँ जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको किसी सपोर्ट करने के लिए। तो ये होगी इसकी पैथोफिजियो। अब मैं बात करता हूं इसमें, अगर कोलिडो कोलीसिस्टाइटिस होगी, वहां पे इंफ्लामेशन होगी, कहां पे, बाइल डक्ट में होगी, ठीक है ना। अगर स्टोन कहां पे बन रहा था, ब्लैडर के अंदर, जिसको बोलते हैं कोलीलिथियासिस, और वो अगर स्टोन कहां पे आ गया, बाइल डक्ट में बन जाता है, उसको अपन बोलते हैं कोलिडो कोलीलिथियासिस, क्या बोलते हैं, कोलिडो कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आपके यहां पे ऐसे टर्म बनती है इसकी पैथोफिजियो के अंदर, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, जहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, पैथोफिजियो में क्वेश्चन बनता है, थोड़ा घुमा के बनता है, जो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे कोच करते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसमें एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है,
हर लाइन में क्वेश्चन बनता है यहां पे, सबसे पहले बनता है पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन, इन राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट सिम्टम्स क्या होता है इसका, सीवियर एब्डोमिनल पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, यानी कि सीवियर एब्डोमिनल पेन कहां पे होगा, राइट साइड में अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा। ठीक है, इसके अलावा इस पेन की फीचर पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इस पेन की फीचर पूछता है कि जब ये पेन होता है तो कहां पे स्प्रेड होता है। ठीक है, तो कहां पे रहता है, राइट शोल्डर में, पेन रेडिएट इन राइट शोल्डर, राइट शोल्डर। ठीक है, या स्केपुला, यानी कि कोलीलिथियासिस का पेन होता है, क्या होता है, अपर क्वाड्रेंट राइट साइड में पेन होगा, लेकिन वो पेन रेडिएट कहां पे होगा, राइट साइड शोल्डर में, यानी कि स्केपुला में उसका पेन रेडिएट होता है, वो किसका होता है, कोलीलिथियासिस का, इसका स्पेसिफिक फीचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें मर्फी साइन, कौन सा बनता है, मर्फी साइन, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। मर्फी साइन में क्या होता है कि हम किसी पेशेंट को लेफ्ट साइड में पालपेट कर रहे हैं और उस टाइम में पेशेंट इंस्पायरेशन कर रहा है, रेस्पायरेटरी इंस्पायरेशन करता है, तो पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके ऊपर बोलते हैं मर्फी साइन। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अगर पेशेंट इंस्पायरेशन कर रहा है, ब्रीथिंग इंस्पायरेशन कर रहा है, और उस टाइम पे हम पेशेंट को लेफ्ट साइड से कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिसको ऊपर बोलते हैं मर्फी साइन। ठीक है, तो यहां से भी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये बनता है, ऐसे यहां से तीन क्वेश्चन बनते हैं। जब पेन की कंडीशन होती है तो अपने क्या आते हैं, नोजिया वोमिटिंग, क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, ड्यूरिंग पेन क्या होता है, अपने को नोजिया वोमिटिंग भी फील होती है। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, तो ये होगा इसके साइन एंड सिम्टम्स। और क्या होगा, जब वहां पे इंफ्लामेशन होती है तो उससे क्या होता है, आदमी का फीवर भी आता है, पेशेंट में क्या होता है, फीवर भी आता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या देख सकते हैं अपन, टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया, क्योंकि ड्यूरिंग पेन क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट बीट बढ़ती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन टेकीकार्डिया। ठीक है, तो अपने को ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहां से हर जगह से क्वेश्चन बनता है और ऐसे ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है किशन जी, हम क्या करेंगे, पेशेंट को पालपेट करेंगे लेफ्ट साइड में और उस टाइम में पेशेंट को बोलेंगे कि आप इंस्पायरेशन करो, अगर पेशेंट इंस्पायरेशन कर रहा है तो क्या होता है, उसको पेन सीवियर होता है, उसकी पेन की सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो अपन कंफर्म कर लेंगे क्या है वो, मर्फी साइन। ठीक है, यानी कि उसको क्या है, कोलीलिथियासिस। ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, तो ये होगी इसके साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे डायग्नोसिस की, अब बात करेंगे डायग्नोसिस की, बात करते हैं यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट से खुद को ही पूछ लेंगे कि कब क्या कहां पे कैसे पेन हो रहा है, तो वो तो हो गया हिस्ट्री कलेक्शन, एक हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन, हम उसको पालपेट करके कंफर्म कर लेंगे कि पेन की इंटेंसिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये आपका दो तो ये नॉर्मल हो गया, इसके बाद में करते हैं अपन कंफर्मेटरी, होता है ईआरसीपी, ईआरसीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी, क्या होता है, ईआरसीपी, किसमें करते हैं अपन, कोलीलिथियासिस में करते हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी, कोलेंजियो का मतलब होता है बाइल डक्ट की बात करें और पैनक्रियाटिक डक्ट की बात करें, उसको अपन क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग इसोफेगस के थ्रू, और जहां पे अपन बाइल डक्ट है उसके अंदर ओवरस्ट्रक्शन चेक करते हैं।
उसको बोलते हैं ईआरसीपी, यानी कि उसको कंफर्म पता कर लेते हैं, ठीक है ना। ईआरसीपी का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या करेंगे अपन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होगा, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। जब भी बॉडी में इंफ्लेमेशन कंडीशन होती है तो डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ता है, तो अपन ऐसे इसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कंफर्म क्या करेंगे, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करा देंगे उसकी लोकेशन और कंफर्मेटरी पता करने के लिए। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन बनता है इसमें ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी, ठीक है। कैसे करते हैं अपन, इसोफेगस के थ्रू क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं और वहां से अपन विजुलाइज चेक करते हैं इसकी ब्लॉकेज, चेक करते डक्ट के अंदर कहां के सिस्टिक डक्ट में और पैनक्रियाटिक डक्ट में, उसको अपन चेक करते हैं, इसको बोलते हैं ईआरसीपी, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, डायग्नोसिस होता है, ठीक है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या चेक करेंगे, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी अपने को मिलेंगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो रही है, और यूएसजी में अपन कंफर्म उसको विजुलाइज कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका इन्वेस्टिगेशन, जहां से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है ईआरसीपी का। अब मैं बात करूंगा मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट तो क्या होता है, कोलीलिथियासिस में क्या होता है, अपन सर्जरी परफॉर्म करते हैं, एक तो क्या करते हैं अपन स्टोन को रिमूव करते हैं डक्ट में है तो, या फिर पूरे गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करते हैं। अगर हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर रहे हैं, हाँ जी वेरी गुड आफ्टरनून, हाँ जी बिल्कुल, हम पिक्टोरियल आपको शो करेंगे, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसका पिक शो नहीं किया, ठीक है। हम इसमें करते हैं क्या करते हैं, हाँ जी वेरी गुड आफ्टरनून, क्या करते हैं कॉलीसिस्टेक्टोमी करते हैं, क्या करते हैं कॉलीसिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, कॉलीसिस्टेक्टोमी करते हैं, इसमें अपन गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं, एक तो इसमें सर्जरी ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक करते अपन कॉलीडोकोलीटोक्टोमी, क्या करते हैं कॉलीडो टेक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ स्टोन इन द बाइल डक्ट, ठीक है, यानी कि गॉल ब्लैडर डक्ट से अपन स्टोन को रिमूव करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कॉलीडोकोली लिथोटोमी, ठीक है, क्या बोलते हैं कॉलीडोकोली लिथोटोमी, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे अपन इसमें दो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, क्लियर यहां तक। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इसमें अपन नर्सिंग जो मैनेजमेंट करते हैं, एक तो उसमें अपन क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन कहां पे बनता है, हम अगर इसको रिमूव कर रहे हैं स्टोन को या गॉल ब्लैडर को रिमूव कर रहे हैं, तो वहां से क्या करते हैं भाई, ट्यूब इंसर्ट करते हैं, वहां पे अपन एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं टी ट्यूब, क्या बोलते हैं टी ट्यूब, यानी कि एक टी ट्यूब ट्यूब होती है जिसकी शेप होती है टी में, ठीक है, टी शेप में ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं टी ट्यूब, जिसको अपन इंसर्ट करते हैं और बाइल को बाहर रिमूव करते हैं, इसको एक्सक्रीट करवाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, कहां पे लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। टी ट्यूब कहां पे डालते हैं, आप डायग्राम को ध्यान से देखें, यहां पे क्या होता है अपना पैनक्रियाज होता है, क्या होता है पैनक्रियाज होता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है लीवर होता है, उसके ऊपर क्या होता है गॉल ब्लैडर, क्या होता है गॉल ब्लैडर, और ये क्या है पैनक्रियाज, ठीक है। ये आ गया स्टोमक और ये लीवर। अब यहां पे क्या होता है, जो बाइल का फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है, बाइल का फॉर्मेशन कहां पे होता है लीवर के अंदर, ठीक है। स्टोर कहां पे होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आती है इसको बोलते हैं अपन बाइल डक्ट, ठीक है। एक होती है बाइल डक्ट और एक होती है पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को लेके आती है, क्या होती है पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है। और ये कहां पे आके दोनों एक जगह खुलती है, इसको बोलते हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट, जो कहां पे आगे खुलती है ड्यूडेनम में खुलती है, यहां पे क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, कौन सा पार्ट ड्यूडेनम, जहां पे आके ये एमपीटी होती है, कौन सी कॉमन बाइल डक्ट, यहां पे क्या होता है स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, स्पिंक्टर होता है उसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। अब क्या होता है इसमें, एक तरफ से क्या आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है,
क्या लेके आ रही है, पैनक्रेटिक जूस लेके आ रही है, यानी कि पैनक्रेटिक एंजाइम लेके आ रही है जो डाइजेशन में और अब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एक डक्ट में क्या आ रहा है, बाइन आ रहा है, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और फिर कॉमन बाइल डक्ट कहां पे आगे ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ओपन होती है, ठीक है, ऐसे इसमें नॉर्मल होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहां से स्टोन को रिमूव कर दें या इसको अपन जो ये गॉल ब्लैडर है उसको रिमूव कर दिया, तो इसमें क्या होगा, जो पैनक्रेटिक डक्ट है वहां से पैनक्रेटिक जूस आएगा ना, उसकी पेटेंसी चाहते रखने क्या करेंगे, यहां पे हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं टी शेप में, ठीक है ना, इसमें करते हैं टी शेप में एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, इससे क्या होता है हम बाइल के एक्सेस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं बाइल जूस को अपन बाहर एमपीटी करवाते हैं, इसको बाहर एक्सक्रीट करवाते हैं, ठीक है, यहां पे इंसर्ट इसको ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं कि जब इसको क्या हो रहा है, यहां पे इंफ्लेमेशन हो रही है, क्या हो रहा है, इंफ्लेमेशन होगी, कोलेसिस्टाइटिस होगी, क्योंकि जैसे ही फूड कहां पे गया, ड्यूडेनम में पहुंच गया, अगर फूड ड्यूडेनम में पहुंच गया तो यहां पे क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं अपन सीसीके, क्या होता है सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन कब 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 बनता है, जब स्टोमक कंटेंट्स ड्यूडेनम में पहुंच जाते हैं तब यहां पे सीसी के हार्मोन बनता है, और ये सीसी के हार्मोन बनेगा तो क्या होगा, ये पैनक्रेटिक एंजाइम यानी कि पैनक्रेटिक जूस और बाइल जूस के एक्सक्रीशन या सीक्रेशन को बढ़ाता है। जब यहां सीक्रेशन बढ़ेगा तो कहां पे आएगा, ड्यूडेनम में आएगा, और इसका फैट में उसका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ठीक है, बाइल किस काम आएगा, फैट को मल्टीप्लाई करने में काम आता है, ठीक है ना, इसलिए बाइल यहां पे पहुंच जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, यहां पे कंडीशन ऐसी हो रही है, ब्लॉक ब्लॉक हो रही है, तो यहां पे अपन टी ट्यूब इंसर्ट करते हैं और बाइल जूस को बाहर रिमूव करा लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ध्यान रखने वाली बात यह, यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन यहां से ऐसे बनता है कि हम टी ट्यूब इंसर्ट कर दिए, क्यों करते हैं, बाइल जूस को बॉडी से रिमूव करने के लिए टी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इसका लेवल, अगर इसमें एक्सक्रीशन फ्लूइड निकल रहा है, अगर वो इसका नॉर्मल कितना होता है 500 to 100 ml 24 आवर्स, ठीक है, 500 से 1000 ml अगर 24 घंटे में निकल रहा है, ठीक है, तो वो तो क्या है, नॉर्मल वॉल्यूम है, कितना है, नॉर्मल वॉल्यूम है। अगर टी ट्यूब के थ्रू अगर सिक्रेशन 500 से 1000 ml अगर 24 में निकल रहा है तो वो तो नॉर्मल कंडीशन है, अगर इससे ज्यादा रहा है तो वो क्या है, अबनॉर्मल कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले फिजिशियन को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म फिजिशियन, ठीक है, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपन इन्फॉर्म सबसे फर्स्ट करेंगे, क्योंकि इसका लेवल ज्यादा अगर बढ़ता है तो नॉर्मली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी बार बनाया क्वेश्चन कि अगर ट्यूब के अंदर से अगर 24 आवर्स में अगर 1200 ml एक्सक्रीशन हो रहा है, यानी कि 1200 ml एक्सक्रीशन हो रहा है, सबसे पहले नर्स क्या एक्शन करेगी, तो सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, जो आपका यहां से ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसमें ध्यान में रखने वाली बात क्या होती है, जो पेशेंट होता है, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर इसके अंदर येलोविश कलर का सिक्रेशन आ रहा है, डार्क येलो कलर सिक्रेशन आ रहा है, तो भी हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि वो क्या इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ऐसे भी अपन को ध्यान में रखना होता है। एक सबसे लास्ट बात है डाइट की, डाइट आफ्टर सर्जरी हमने कर दी इसकी कोलिस्टेक्टोमी कर दी, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, हमने गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, तो हम उसको डाइट कौन सी प्रिफर करते हैं, लो फैट डाइट करते हैं, इसको लो फैट एंड हाई कैलोरी डाइट देते हैं, क्योंकि फैट का मल्टीप्लाइड कौन करता है, बाइल करता है, लेकिन अब क्या होगा, बाइल तो नहीं जा रहा उसमें, ठीक है ना, तो फैट क्या होगा, स्टूल के थ्रू डायरेक्ट बाहर आएगा, उसको डायरिया होगा, उसका अब्सॉर्प्शन नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लो फैट डाइट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, जहां से एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा इसमें क्वेश्चन जहां से बनते हैं, 3-4 आपके पास क्वेश्चन लूंगा मैं, जो आपको पढ़ के बताना है, और अगर आपको अगर कहीं डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, देखिए आपके सामने मैं इमेज शो कर रहा हूं, क्वेश्चन है, उसको आपको रीडिंग करना है, ठीक है, अच्छे से, और फिर बाद में उसका रेस्पॉन्स करना है। हाँ जी गुप्ता जी, मर्फी साइन क्या होता है कि हम पेशेंट को लेफ्ट साइड में पालपेट करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप डीप इंस्पायरेशन करो, और जब डीप इंस्पायरेशन पेशेंट करता है और पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो है मर्फी साइन, मतलब हमने कंफर्म कर लिया, ठीक है जी।
हाँ जी बिल्कुल, सर्जन को इन्फॉर्म करना ना, उसका हेल्थ के प्रोवाइडर कौन है, सर्जन ही तो है, उसको अपन इन्फॉर्म करेंगे। अब देखो आपके पास में क्वेश्चन है, मेन फोकस ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट विद कोलेस्टाइटिस शुड बी, यानी कि एक इंफ्लामेशन ऑफ द गॉलब्लैडर का पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर, तो आपका मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, असिस्मेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ लिथोट्रिप्सी और प्रिपरेशन फॉर सर्जरी, ठीक है, मोस्टली ठीक आ रहा है, फिर भी कुछ रॉन्ग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अगर इंफ्लामेशन ऑफ गॉलब्लैडर का पेशेंट है तो सबसे ज्यादा अपन ध्यान देंगे कॉम्प्लिकेशन के ऊपर, हम पेशेंट का कॉम्प्लिमेशन असिस्मेंट करेंगे, क्योंकि अगर कोलेसिस्टाइटिस पेशेंट को तो क्या होगा, उसको पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, और डक्ट आगे से ब्लॉक हो सकती है, तो हमें क्या ध्यान रखना, उसके कॉम्प्लिकेशन को असिस्मेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी, सॉरी इसका राइट आंसर है बी, हम कॉम्प्लिकेशन को असिस्मेंट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इन कोलीलिथियासिस द डाइट इज एडवाइज टू द पेशेंट इज, एक कोलीलिथियासिस का पेशेंट है उसको हम कैसी डाइट एडवाइज करते हैं, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कुछ टाइम पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बी, डिक्रीज फैट डाइट, हम इस पेशेंट को क्या देंगे, फैट डाइट कम देंगे, क्योंकि क्या हो गया इसमें, फैट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टोन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि कोलीलिथियासिस का मेन क्या होता है, कोज क्या होता है, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर फैट ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा और स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए हम इसको पेशेंट को देते हैं लो फैट डाइट, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, द क्लाइंट हैज जस्ट हैड एन एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी विच पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट, हमने पेशेंट को ईआरसीपी की है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी, तो हम इस पेशेंट में सबसे पहले कौन सा इंटरवेंशन इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स राइट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैंने बताया था कि ईआरसीपी अपन कैसे करते हैं, ईसोफेगस के थ्रू अपन कैथेटर इंसर्ट करते हैं और वहां पे बाइल डक्ट होती है, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट, वहां पे अपन इसको विजुअलाइज करके डक्ट को ब्लॉकेज उसको अपन चेक करते हैं, ठीक है, उसको कंफर्म पता करते हैं, तो हम कहां से इंसर्ट कर रहे हैं, ईसोफेगस से, तो यहां पे अपन क्या ध्यान रखना होता है, इसका गैग रिफ्लेक्स का ध्यान रखना होता है कि पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स नॉर्मल आए या नहीं आए, इसका अपने को सबसे पहले असेस करना होता है, ठीक है ना फ्रेंड, तो ये हो गया इसका राइट आंसर सी। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, द कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन फॉर गॉलब्लैडर सर्जरी इज, ये कुछ नई टर्म है इसके अंदर, ठीक है ना, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल जी, बहुत बहुत सबसे अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, इसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्या इसका कोचर्स इंसिजन, इसको आपको रटना है, इसको कंफर्म करना है कि अपन जो ब्लेडर की सर्जरी करते हैं उसके अंदर अपन एब्डोमेन के अंदर इंसिजन लगाते हैं, उसको कौन सा बोलते हैं, कोचर्स इंसिजन, ये एक टर्म है, इसको आपको कंफर्म याद ही करना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसका नाम है जो एमसी बर्नी होता है, वो किसमें था आपका, पढ़ाया था मैंने एमसी बर्नी किसमें आया था, अपेंडिसाइटिस में आया था ना, तो वो हो गया इसका, ठीक है ना, तो इसका होता है कोचर्स इंसिजन, बिल्कुल राइट आंसर इसका बी, ठीक है, आज का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, तो प्लीज थैंक यू।